केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम लोकसभा प्रत्याशी के बतौर सामने आने के बाद लोगों में खासा उत्साह है। इसी को लेकर के पावटा में कार्यकर्ताओं ने सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का सम्मान साफा और फूलमाला पहनाकर किया। स्वागत पर केंद्रीय मंत्री ने राठौड़ ने कहा कि जनता ने जो आदर सत्कार दिया है उनका आभार मैं व्यक्त करता हूं। साथ में पीएम मोदी के नेतृत्व में जो गौरवशाली 5 साल का शासन रहा है, जनता ने आशीर्वाद देकर के फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे तो राठौड़ ने कहा कि इस बार का चुनाव क्षेत्र के विकास के साथ साथ किसानों, मजदूरों, गरीबों के साथ जनता के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए होगा। बहुत बड़े सम्मान की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और भारत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव सिर्फ 5 साल में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसके शीर्ष नेतृत्व ने जयपुर ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं उनकी ताकत को, उनके स्नेह प्यार को देखकर, जयपुर ग्रामीण के मतदाताओं का स्नेह और प्यार देखकर पहली टिकट की लिस्ट के अंदर ही नाम घोषित करा। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए मैं 2014 में ही तैयार हो गया था। एक संकल्प लेकर हम इस मैदान में उतरे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में कि देश में एक बड़ा बदलाव लाना है और घर घर तक उस बदलाव को, देश की ताकत को। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।